हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चंद्रा मैथमेटिक्स क्लासेस। इस वीडियो में आप लोगों को MT9 रियल एनालिसिस के अंतर्गत फरवरी 2021 में पूछे गए क्वेश्चन को सॉल्यूशन के साथ बताने जा रहा हूं, जो कि ट्रू फॉल्स से रिलेटेड है। क्वेश्चन इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, गिव प्रॉपर रीजन फॉर योर आंसर। स्टेटमेंट है द फंक्शन एफ फ्रॉम आर टू आर डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स माइनस वन प्लस मोड थ्री माइनस एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू फोर। तो हम यहाँ पर यह चेक करने के लिए क्या करेंगे, देखेंगे कि एक्स इज इक्वल टू फोर पर इस फंक्शन का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल है। यदि इक्वल है तब तो यह स्टेटमेंट ट्रू है, नहीं तो फॉल्स है। तो यहाँ पर राइट हैंड डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स एट पॉइंट फोर, ठीक है, एक्स इज इक्वल टू फोर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फॉर्मूला लिमिट ऑफ एफ फोर प्लस एच माइनस एफ फोर बाई एच व्हेन एच टेंड्स टू जीरो इज इक्वल टू लिमिट। अब यहाँ पर एफ फोर प्लस एच का वैल्यू हम इसके अकॉर्डिंग पुट कर देंगे, ठीक है, उसकी उसी तरह से माइनस एफ फोर का वैल्यू इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर लिख देंगे, फिर बाई एच, फिर यहाँ अब इसे हम लिखेंगे लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, यहाँ मोड क्या हो जाएगा थ्री प्लस एच, फिर प्लस यहाँ क्या हो जाएगा मोड, इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस वन माइनस एच, ठीक है, माइनस यहाँ पर थ्री प्लस वन आ जाएगा बाई एच, फिर यहाँ इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, यहाँ मोड थ्री प्लस एच होगा, फिर मोड माइनस वन माइनस एच क्या हो जाएगा वन प्लस एच होगा, ठीक है, माइनस थ्री प्लस वन फोर बाई एच, अब इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, यहाँ क्या हो जाएगा थ्री प्लस वन फोर, फोर प्लस एच टू एच माइनस फोर बाई एच, प्लस फोर माइनस फोर कैंसिल हो गया, तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, यहाँ टू एच बाई एच एच कैंसिल हो जाएगा, तो लिमिट ऑफ टू व्हेन एच टेंड्स टू जीरो इज इक्वल टू क्या, यहाँ टू। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल टू फोर, तो यहाँ पर भी उसी तरह से लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ फोर माइनस एच माइनस एफ फोर बाई माइनस एच इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ फोर माइनस एच को हम जिस तरह से हमें क्वेश्चन में दिया हुआ एफ एक्स का वैल्यू उसी तरह से हम यहाँ पर बैठा देंगे, एक्स की जगह फोर माइनस एच लिख देंगे, फिर माइनस एफ फोर का भी वैल्यू, ठीक है, इस तरह से हम लिख देंगे इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, तो यहाँ क्या हो जाएगा मोड थ्री माइनस एच प्लस यहाँ पर मोड माइनस वन प्लस एच माइनस इसका वैल्यू थ्री प्लस वन यहाँ, फिर नीचे में माइनस एच इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो मोड थ्री माइनस एच, थ्री माइनस एच ही होगा, फिर मोड माइनस वन प्लस एच क्या हो जाएगा वन माइनस एच हो जाएगा, प्लस वन माइनस एच और माइनस ये फोर हो गया अपॉन माइनस एच, फिर इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, यहाँ हो जाएगा फोर माइनस एच माइनस टू एच माइनस फोर बाई माइनस एच, प्लस फोर माइनस फोर कैंसिल, तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, यहाँ माइनस टू एच बाई माइनस एच माइनस माइनस कैंसिल, एच एच भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचा सिर्फ टू, तो लिमिट ऑफ टू माइनस टेंड्स टू जीरो इज इक्वल टू क्या हो गया टू। तो देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल टू फोर इक्वल आ रहा है, इसलिए हम क्या कहेंगे कि यह स्टेटमेंट ट्रू है, यानी कि दिया गया फंक्शन एक्स इज इक्वल टू फोर पर डिफरेंशिएबल है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।